नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं डिजिटल बोर्ड ईएमआई के ऊपर। क्या डिजिटल बोर्ड ईएमआई पे मिलना शुरू हो गया? यदि मिलता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा? इसके बारे में सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर पर संपर्क करके आप हमसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। आज का टॉपिक है डिजिटल बोर्ड ऑन ईएमआई। ठीक है, कई सारे हमें टीचर्स कॉल करते हैं, सर हमको डिजिटल बोर्ड लेना है, अभी 50,000 ही रुपया है, कैसे होगा? 1.5 लाख में डिजिटल बोर्ड मिलता है, 1,30,000 में मिलता है, सर हमारे पास 60,000 रुपया है, सर हमारे पास 65,000 रुपया है, तो क्या आप लोग ले सकते हैं? देखिए, तरीका है डिजिटल बोर्ड ईएमआई पे लेने का, लेकिन डायरेक्ट ईएमआई अभी तक नहीं आया है। डायरेक्ट जैसे मोबाइल खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, 5,000 रुपया दे दिए और 25,000 का मोबाइल उठा लिए, तो लेकिन अभी तक इसमें डायरेक्ट ईएमआई नहीं आया है। कुछ है चीज़ें जिससे कि आप लोग ईएमआई पे ले सकते हैं, तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। कई सारे टीचर्स सिर्फ थंबनेल देख लेते हैं, कहते हैं सर आप तो वीडियो बनाए थे ईएमआई पे मिलता है या नहीं, तो इसलिए वीडियो को कहा गया लिट नॉलेज इज डेंजरस थिंग, खतरनाक होता है क्या चीज़, कम ज्ञान। तो इसलिए जब तक पूरा वीडियो को नहीं दिखेगा तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा विस्फोटक होने वाला, खतरनाक होने वाला है। इसलिए समझिए कैसे आप लोग डिजिटल बोर्ड ईएमआई पे ले सकते हैं, इसके बारे में हम आप सभी को बताने वाले हैं। यदि आप लोग को डिजिटल बोर्ड की बात की जाए, ठीक है, तो इसको जो है लगभग प्राइस की यदि बात की जाए, ठीक है, प्राइस की बात, तो लगभग आपको 1 लाख रुपया से मिलना शुरू हो जाता है। डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, डिपेंड करता है साइज के ऊपर, 1 लाख से लगभग मिलना शुरू हो जाता है। अब देखिए, 1 लाख रुपया में मान के चलिए आपके पास 50K है, ठीक है, लेकिन आप क्या कीजिए, डायरेक्ट इतना रुपया पे भी आप काम कर सकते हैं। डायरेक्ट 1 लाख रुपया भी आप डायरेक्ट लोन ले सकते हैं, ये 50K भी अपना बचा सकते हैं। अभी एक पीएम का योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, ठीक है। अब ये योजना में क्या है, बहुत कम ब्याज दर जो है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, इस पर आप लोग क्या कर सकते हैं, पीएम मुद्रा लोन के ऊपर इसमें डायरेक्ट ले सकते हैं। अब देखिए ये कैसे आपको मिलेगा, तो ये जो है लगभग मतलब 100+ बैंक में जो है ये लागू हो रहा है, मतलब लागू हुआ है, ये योजना कई दिन से चलता आ रहा है। आपका जो भी बैंक में खाता है, सबसे पहले आपको बैंक के पास पहुंचना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको बैंक वालों के पास पहुंचना है, वहां से आपको पूरा जानकारी वो मिल जाएगा जो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा जो आपको आधार कार्ड लगेगा, आपको पैन कार्ड लगेगा, आपको ये सब चीज़ देना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा बैंक में। साथ ही साथ हम लोग आपको कोटेशन, ठीक है, कोटेशन बना के भेजेंगे। कोटेशन मतलब होता है आप ये प्रोडक्ट ये कंपनी से खरीद रहे हैं जिसका प्राइस ये है, तो आपको डिजिटल बोर्ड का जो है कोटेशन मांगा जाएगा बैंक में, वो हम लोगों का काम है देना। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, या आप इस नंबर पर 9973725719 इस नंबर पे आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या है, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स कौन बताएगा, सर आपको बैंक जाना है, आपका नियर बाय में जो भी बैंक होगा वहां पे पूछना है, सर हमें डिजिटल प्रोडक्ट लेना है, डिजिटल बोर्ड लेना है, ठीक है, जिसका कि प्राइस लगभग 1 लाख या 1,10,000। पहले आप कोटेशन मंगवा सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। उसके बाद पूछना है, सर इतना रुपये का है लगभग, देखिए 65 इंच का जो है 1 लाख से मिलना शुरू हो जाता है, 75 इंच का 1,35,000 से मिलना शुरू हो जाता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा डिजिटल बोर्ड का साइज लेना चाहते हैं। तो आपको कोटेशन क्या करना है, मंगवा लेना है। कोटेशन मंगवाने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ बोला जाएगा, आपको पैन कार्ड बोला जाएगा, आपको जो है आधार कार्ड बोला जाएगा, आपको बैंक पासबुक का जीरोक्स बताया जाएगा, जो भी चीज़ डॉक्यूमेंट्स बताया जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना है। उसमें आपको कोटेशन क्या करना है, इम्बेड कर देना है, मिला देना है। जैसे ही कोटेशन लगा दीजिएगा तो फिर आप जो बैंक में वो चीज़ को सबमिट कर देना है। लगभग 20 से 25 दिन का यह प्रक्रिया होता है, लगभग 20 से 25 दिन का यह प्रक्रिया होता है, जिसके दौरान आप सभी को ये लोन सैमसंग हो जाएगा। लोन वहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं, या बिहार सरकार का, या कहीं से हैं आप यूपी हैं, या प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री का कई सारा योजना है जो कि बिजनेस करने के लिए लोन देता है, तो वहाँ से भी जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये पता चलेगा आपको डायरेक्ट जाके ऑफिस पे, कहाँ पे, जहाँ पे आपका बैंक होगा नियर बाय में, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, आपके पास यदि 2 से 3 अकाउंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड ले लीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 40 दिन का आपको समय दिया जाता है, इसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट आप ईएमआई भी करवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से आप ईएमआई भी करवा सकते हैं, या 40 दिन में आपको कोई भी रुपया नहीं लिया जाएगा। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, यदि 2 से 3 आपको क्रेडिट कार्ड होगा तो वहाँ से अदल बदल के आप काम जो है कर सकते हैं।
समझ रहे बातों को, वही है क्रेडिट कार्ड में आपका 40,000 तक रहता है, मतलब ये 40 दिन तक दिया जाता है, तो इससे भी डायरेक्ट आप ईएमआई करवा सकते हैं, लेकिन कई सारा योजना है उसके तहत भी आप करवा सकते हैं। डायरेक्ट ज़्यादा ब्याज दर वाला लोन पे फंस के यहाँ पे लेने में फायदा नहीं है, ठीक है, वो दिक्कत हो जाता है। ईएमआई डायरेक्ट अभी तक नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, बहुत सारा इसका मतलब है, बहुत सारा इसका जो है पॉइंट है, इसलिए नहीं आ रहा है। ईएमआई वगैरह डिजिटल बोर्ड वगैरह पे हम लोग लगे हुए हैं, ईएमआई जितना जल्दी हो सके डायरेक्ट ईएमआई, ठीक है, इसमें तो आप करवा सकते हैं, ये तो आपका लोन टाइप से एक हो गया, लेकिन डायरेक्ट ईएमआई अभी तक नहीं आया है, हम लोग ट्राई करते जा रहे हैं, देखिए जितना जल्दी हम लोग को बैंक अप्रूवल दे दे, ठीक है। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा, फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।